गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे टॉपिक लैक कल्चर। ये एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का टॉपिक है, इंसेक्ट बायोलॉजी फिजियोलॉजी। और मैं कल्पना मंडावी, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट काकतीय पीजी कॉलेज जगदलपुर से। इन पॉइंट्स पे हम स्टडी करेंगे लैक कल्चर को, लैक उत्पादन को, क्लासिफिकेशन लैक इंसेक्ट, मेल फीमेल, लाइफ साइकिल ऑफ लैक इंसेक्ट, लैक स्ट्रेन, प्रूनिंग, लैक प्रोपोगेशन, एनिमीज ऑफ लैक इंसेक्ट। लैक क्या होता है? तो लैक इज अ रेजिनस सिक्रीशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ फीमेल इंसेक्ट। सिंस वैदिक पीरियड इट हैज़ बीन यूज इन इंडिया। और इसके बारे में हमें महाभारत में लाक्षाग्रह के बारे में भी हमने पढ़ा है। टैक्सोनॉमी ऑफ इंसेक्ट। द फर्स्ट साइंटिफिक नेम ऑफ लैक इंसेक्ट वॉज गिवन बाय जे केर। इट वॉज लेटर चेंज बाय टू लेसिफर लक्का केर, और लास्ट में इसका नाम रखा गया कैरिका लक्का केर। लैक जो है एक प्रकार का प्राकृतिक राल है जो लैक कीट लेसिफर लक्का की फीमेल इंसेक्ट के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। पूरे विश्व में लैक की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में इसकी 2 जातियां पाई जाती हैं, जिनमें से मुख्य है लेसिफर। लेसिफर की 2 प्रजातियां हैं, कुसमी और रंगीनी लैक। क्लासिफिकेशन ऑफ लैक इंसेक्ट। फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हेमिप्टेरा, फैमिली लेसिफराइडी, जीनस लेसिफर। लैक इंसेक्ट, लेसिफर लक्का। लेसिफर लक्का जो है ये एक रेजिनस बाई प्रोडक्ट सिक्रीट करता है, और इसको ही बाद में शेल लैक के रूप में ये मार्केट में सेल किया जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक ट्री का ब्रांच है, उसमें छोटे छोटे इसके शिशु कीट लगे हुए हैं। लैक इंसेक्ट, लैक कीट क्या होता है? लैक इंसेक्ट इज माइन्यूट क्रॉलिंग स्केल इंसेक्ट विच इंसर्ट इट्स सेक्टोरियल प्रोबोसिस इनटू प्लांट टिश्यू, सक जूस, ग्रो एंड सिक्रीट रेजिनस लैक फ्रॉम द बॉडी। इट्स ओन बॉडी अल्टीमेटली गेट कवर्ड विद लैक इज कॉल्ड ए सेल। लैक इज सिक्रीटेड बाय इंसेक्ट फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रीडेटर। लैक जो इंसेक्ट है, अभी जैसे हमने फर्स्ट इमेज में देखा, छोटे छोटे होते हैं और माइन्यूट होते हैं, और क्रॉलिंग करने वाले यानी पेड़ों पे धीरे धीरे करके चलने वाले इंसेक्ट होते हैं। ये अपने माउथ से प्लांट की जो नई टहनियाँ रहती हैं उनके जूस को, उनके सैप को सक करते हैं, और जो फीमेल लैक हैं वो अपनी बॉडी से रेजिस्टेंस सब्सटेंस यानी जो राल होता है उसका सिक्रीशन करती हैं, और अपनी बॉडी के बाहर में एक खोल जैसा बनाते हैं, उसे ही शेल कहा जाता है। और ये जो लैक है एक्चुअल में इंसेक्ट अपने प्रोटेक्शन के लिए बनाते हैं। किससे प्रोटेक्शन के लिए? तो प्रीडेटर से यानी अदर इंसेक्ट से प्रोटेक्शन के लिए ये अपनी सुरक्षा के लिए इस लैक का प्रोडक्शन करते हैं। इनकी लाइफ साइकिल में हम लोग देखेंगे मेल इंसेक्ट और फीमेल इंसेक्ट। तो जो फीमेल इंसेक्ट हैं इस इमेज में हम देख रहे हैं रेड कलर के हैं, छोटे हैं, और ये जो है फीमेल इंसेक्ट से छोटे होते हैं साइज में 1.2 to 1.5 mm। इट हैज़ रिड्यूस्ड आई एंड एंटीना, थॉरेक्स बियर अ पेयर ऑफ हाइलिन विंग, और थॉरेक्स वाले रीजन में हमें हाइलिन विंग्स मिलते हैं। फीमेल लैक इंसेक्ट इज लार्जर इन साइज देन मेल। इनका जो साइज़ होता है वो 4 to 5 mm साइज में होता है। बॉडी इनका है जो क्लियरली हेड थॉरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड नहीं होता है, और इनकी बॉडी में एंटीना एंड लेग जो है रहते हैं वो दोनों ही डीजनरेटेड हो जाते हैं, जबकि विंग्स फीमेल लैक इंसेक्ट में एब्सेंट होते हैं। लैक इंसेक्ट में देखेंगे इनका जो जीवन की जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले मैटिंग के बाद में, मेल फीमेल की मैटिंग के बाद में जो इंसेक्ट निकलते उन्हें हिंदी में शिशु कीट भी कहा जाता है। जो इनके शिशु कीट होते हैं ये अपने माउथ पार्ट से, सेक्टोरियल माउथ पार्ट होता है उससे, जो जो कोमल टहनियाँ होती हैं उसमें अपना पूरा जीवन चक्र पूरा कंप्लीट करते हैं, और इन कोमल टहनियों में एक स्थान में वे स्थायी रूप से बैठकर कंटिन्यूएशन में रस को चूसते रहते हैं, और
अपने शरीर के बाहर में लाख का श्रावण करके एक आवरण बनाते हैं, लेकिन इनके जो बॉडी के पार्ट रहते हैं जहाँ पे कि लाख नहीं जम पाता है वो होता है माउथ, एनस और इसके अलावा दो इनके रेस्पिरेटरी जो ये रहते हैं श्वसन छिद्र रहते हैं, वहाँ पर ये लाख का जमाव नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी मोम पाया जाता है। लाइफ साइकिल अगर हम लोग इनका देखें तो मेल और फीमेल मैटिंग होती है, मैटिंग के बाद में फीमेल 300 to 500 egg रिलीज़ करती है ब्रूड सेल में। जो एग होते हैं हैचेस विद द फ्यू आर्स इनटू ट्राइनी क्रिम्सन फर्स्ट रेड फर्स्ट इंस्टार निम्फ कॉल्ड एज द क्रॉलर, उन्हें क्रॉलर कहा जाता है। द इमर्जेंस ऑफ निम्फ इज कॉल्ड एज स्वार्मिंग, निम्फ का बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसे स्वार्मिंग कहा जाता है। द निम्फ क्रॉल टू रिच द सॉफ्ट सिक्लिन ट्विग एंड स्टार्ट सकिंग द प्लांट सैप वोरेसली एंड स्टार्ट सिक्रेटिंग रेजिनस सिक्रीशन ओवर द बॉडी। लाक इज सिक्रेटेड बाय डर्मल ग्लैंड स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी एक्सेप्ट द माउथ पार्ट टू ब्रीथिंग पोर्ट एंड एनस। दे माउल्ट सो दैट द थर्ड इंस्टार निम्फ डेवलप इनटू द एडल्ट। आफ्टर द फर्स्ट माउल्ट बोथ द मेल एंड द फीमेल निम्फ लूज देयर लेग एंटीना एंड आई एंड बिकम डीजनरेट। फीमेल स्टे एज डीजनरेट फॉर्म एंड कंटिन्यू फीडिंग ग्रोइंग इन साइज एंड सिक्रेटिंग रेजिन। द मेल इज स्लीपर लाइक वेयर एज द फीमेल इज ग्लोबुलर इन शेप। आफ्टर द फाइनल माउल्ट मेल इमर्जेस एज विंग। फाइनल माउल्टिंग के बाद में जो मेल्स होते हैं वो उनमें पंख आ जाते हैं या फिर वो विंगलेस रहते हैं एडल्ट विंगलेस एडल्ट विच मेट विद द मेल फीमेल एंड देन दे डाई आफ्टरवर्ड। मैटिंग के बाद में इनकी भी मेल की डेथ हो जाती है। लाख की दो स्ट्रेंथ पाई जाती हैं। लाख जो है इनकी दो मेन प्रजातियां पाई जाती हैं, कुसमी लाख और रंगीनी लाख। जो कुसमी जो लाख है इसे कुसुम ट्री में इसका ये पोषक ट्री होता है, इससे इसे न्यूट्रिशन प्राप्त होता है और इसमें से लगाया जाता है, इसका प्रोपोगेशन किया जाता है कुसमी लाख का कुसुम ट्री में। जबकि जो रंगीनी लाख है इसमें आप देखेंगे कि पलाश बेर या फिर गुलर के पेड़ में से या फिर पीपल में भी से लगाया जाता है, लेकिन मेनली जो है वो पलाश और बेर में से लगाया जाता है। बोथ दी स्ट्रेंथ हैव दी टू जनरेशन पर ईयर। दोनों ही जो लाख होती हैं उनकी हर साल में दो बार आप उनसे लाख का उत्पादन ले सकते हैं, जैसे कुसमी का जेठवी और अगहनी। जेठवी का जो लगाने का समय है वो है जून जुलाई और जनवरी फरवरी में से हार्वेस्ट किया जाता है, जबकि अगहनी जो है कुसमी लाख का इसे जनवरी फरवरी में लगाते हैं और जून जुलाई में इसे हार्वेस्ट करते हैं। इनका जो पर जो जनरेशन होता है इसका ये 6 महीने का समय रहता है, जबकि रंगीनी लाख जो है ये कत्की यानी जून जुलाई में लगाते हैं और अक्टूबर नवंबर में से हार्वेस्ट करते हैं। बैसाखी जो है ये अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं और जून जुलाई में से हार्वेस्ट करते हैं। तो इस हिसाब से ये पर जो क्रॉप रहेगा इसका सीज़न जो दोनों पर क्रॉप का सीज़न 4 मंथ है यानी टोटल 8 मंथ का ड्यूरेशन है। अगहनी और जो बैसाखी जो लाख होता है इसमें से सबसे अधिक 90% इसी में से उत्पादन होता है, और कुसमी जो लाख है इसका सबसे अच्छा इसे लाख माना जाता है। कुसमी लाख जो कि कुसुम ट्री में लगाते हैं इसका सबसे अच्छा लाख माना जाता है क्योंकि ये हल्के कलर की होती है। टेक्निक लाख कल्चर टेक्निक। लाख कल्चर की जो टेक्निक है उन्हें 3 स्टेप्स में बांटा गया है, प्रूनिंग लेग प्रोपोगेशन और हार्वेस्टिंग। प्रूनिंग को कटाई छटाई बोलते हैं, यानी इसमें जो पेड़ रहते हैं अगर आप पलाश में लगा रहे हैं या कुसुम में लगा रहे हैं तो जो उसकी पुरानी टहनियाँ होंगी उसे काटना पड़ेगा, जिसके बाद की नई टहनियाँ आएंगी और उन नई टहनियों में हम जब ब्रूड लाख यानी जिनमें कि फीमेल ने अपने अंडे दे चुके हैं उसमें से फिर उसमें क्या होगा उसमें शिशु कीट निकलने शुरू होते, तो ऐसी स्टिक को हम बोलते हैं ब्रूड लाख। उस ब्रूड लाख को नई जो हमने पेड़ की जो टहनियाँ काटी थी उसमें नई ब्रांचेस आ गए उसमें लगाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं लाख प्रोपोगेशन, और उसके बाद है हार्वेस्टिंग। जैसे जो क्रॉप्स 4 महीने की या 6 महीने की है उनमें हार्वेस्टिंग के समय में जब उनका मैच्योर हो जाता है क्रॉप उसके बाद में उसे उधर से तोड़ के निकाला जाता है और फिर उसे कटाई की जाती है, सुखाया जाता है और इस प्रकार से फिर लाख तैयार हो जाता है। तो लाख कल्चर टेक्निक में 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन है प्रूनिंग जिसमें कि पेड़ों की कटाई छटाई की जाती है। दूसरी स्टेप है
लाख प्रोपोगेशन या जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बीहन लाख का संचारण या इनोकुलेशन और फुंकी उतारना है। फिर उसके बाद है हार्वेस्टिंग या लाख की कटाई। तो इतनी प्रक्रिया है। फर्स्ट वन हम देखेंगे प्रूनिंग। प्रूनिंग मीन्स द कटिंग ऑफ ओल्ड वीक एंड डिसीज्ड ब्रांचेस। इट इंक्लूड द ट्री टू गिव आउट द न्यू सकुलेंट शूट। इसमें पेड़ों की कटाई छटाई की जाती है जिससे कि नई ब्रांचेस उसमें कोमल ब्रांचेस आ सकें। लाख प्रोपोगेशन। व्हेन द ओविसैक इज फुल ऑफ एग अपीयर ऑरेंज एट दिस टाइम द ट्विग ब्रूड लाख आर कट फ्रॉम द ट्री ऑफ लेंथ 6 to 12 inches एंड टाइड टू द ब्रांचेस ऑफ द होस्ट ट्री। व्हेन द निम्फ हैव एस्केप फ्रॉम द ब्रूड लाख विच इज व्हाट इज लेफ्ट इज कॉल्ड एज द स्टिक और द फुंकी। दिस स्टिक आर कैप्ट इन वाटर फॉर 3 to 4 days एंड रॉ लाख इज स्क्रैप फ्रॉम दिस स्टिक। इसमें हम देखेंगे कि ऐसे लाख कीट के जो पोषक पौधों की जो डंठलों में जो रहते हैं उन्हें उनमें से ही शिशु कीट निकलते हैं और जो बीहन इन डंठलों को हम बीहन लाख कहते हैं। यानी लाख कीट के जो पोषक पौधे जिसमें भी ये लगे रहेंगे उनमें से ही शिशु कीट निकलते हैं। तो इन डंठलों को सबसे पहले उन ट्रीज में से काटा जाता है। काटने के बाद में इसे ही हम क्या बोलते हैं, ब्रूड लाख बोलते हैं। और इन ब्रूड लाख को सबसे पहले या फिर जिसे हम हिंदी में बीहन लाख भी बोलते हैं, इन्हें जो नए पोषक पौधे हैं जिनकी हमने टहनियाँ काटी थी और उनमें हमें इसका संचारण करना था या प्रोपोगेशन करना था, उसमें इन ब्रूड लाखों को जो डंडियाँ रहती हैं इनको सबसे पहले 6 से 9 inch की काटी जाती हैं और 3 से 4 जो डंठलें रहती हैं अंगूठे की मोटाई के आकार की उन्हें एक साथ इनका एक बंडल बनाया जाता है 3 से 4 स्टिक का। फिर इसको ले जाके उस ब्रांचेस में बांध दिया जाता है जिससे कि लाख जो होता है पोषक पेड़ों में कई जगह पे इन लाख के जो पोषक पेड़ रहते हैं उनमें कई जगह पे डंगालियों में समानांतर रूप से ऊपर की ओर बांध देते हैं और इन बीहन लाख से शिशु कीट बाहर आकर नई टहनियों पर रेंगने लगते हैं और बाद में कोमल और रसदार टहनियों पर हमेशा के लिए ही बैठ जाते हैं। इसके बाद जब हमने जो ब्रूड लाख लगाया है नए पोषक वृक्ष में, जब उसमें से कीट जो शिशु कीट रहते हैं या जो फर्स्ट जो इनके जो रहते हैं निम्फ रहते हैं ये वहाँ से निकल जाते हैं, निकलने के बाद में वो जो हमने स्टिक बांधी वो तो अब खाली हो गई, तो उस स्टिक को हम बोलते हैं बंधी हुई जो खाली जो लाख की डंठल रहती है इसे हम बोलते हैं फुंकी लाख बोलते हैं। और इन स्टिक को निकालना ही क्या कहलाता है, इन डंठलों खाली डंठलों को हम बोलते हैं फुंकी। और इन शिशु कीट के बीहन लाख से निकल जाने के बाद में इन डंठलों को पेड़ों से हटा देना चाहिए। ये पूरा प्रोसेसिंग है। जब लाख लास्ट में हार्वेस्टिंग के समय आती है तो उसका किस प्रकार से प्रोसेसिंग किया जाता है, द स्क्रैप। जब हम लाख को हार्वेस्ट होने के समय में जब उसका छिलाई करते हैं, क्रस्ट एंड लाइटली एंड वॉश्ड विद द वाटर टू रिमूव द इम्प्योरिटीज एंड इट इज़ नोन एज द सीड लाख और द चौरी। द सीड लाख इज पैक्ड इनटू द सॉगेट शेप्ड क्लोथ बैग। दिस बैग्स आर हेल्ड ओवर द चारकोल फायर एंड ट्विस्टेड। व्हेन द लाख स्टार्ट मेल्टिंग द मोल्टन लाख फ्लो आउट थ्रू द पोर्स ऑफ द क्लोथ लीविंग इम्प्योरिटीज नोन एज द किरी बिहाइंड। ये एक प्रक्रिया है कि किस प्रकार से लाख को निकाला जाता है। द प्योर लाख इज कूल डाउन टू सॉलिडिफाई इंटू राउंड बटन शेप पीस बटन लाख जिसे कहा जाता है एंड स्ट्रेच इंटू द थिन शीट कॉल्ड एज द फ्लैक लाख। द लाख इज फाइनली मार्केटेड एज अ बटन लाख और द शेल लाख। हार्वेस्टिंग। जब आपकी फसल परिपक्व हो जाती है, जब उसमें से शिशु ने नए पेड़ की ब्रांचेस को कट कर दिया, उसमें बीहन लाख या ब्रूड लाख को लगा दिया, लगाने के बाद में जब उसमें से शिशु कीट का पूरा संचारण हो गया, वो फैल गए, नई ब्रांचेस पे बैठ गए, फुंकी को हमने निकाल लिया, फुंकी निकालने के बाद में जब जो हमने संचारण किया था जिन कीटों का, जब उन्होंने अपने पास में पूरा लाख का फॉर्मेशन कर लिया और 6 months के बाद में हम उन टहनियों को काट के निकाल लेते हैं, उनको उसमें से जो लाख रहता है उसे छील के निकाल लिया जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। कटिंग ऑफ लाख एंड शॉर्ट ट्विग व्हेन द क्रॉप इज फुल्ली मैच्योर इज कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग। लाख के हर कीट के शत्रु भी होते हैं, तो लाख के भी इंसेक्ट के भी कुछ शत्रु होते हैं जिन्हें कि हम एनिमीज बोलते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, प्रीडेटर्स होते हैं। पैरासाइट्स आर द स्मॉल इंसेक्ट बिलोंग टू द फैमिली चेलाइथिडी ऑफ हाइमनोप्टेरा। और प्रीडेटर्स भी होते हैं, प्रीडेटर्स जिसमें कि मुख्यतः जो है वो लाख के मौत हैं
इसके अलावा कुछ लेस विंग्स भी हैं और भी कुछ पैरासाइट्स हैं जैसे कि मैगोट्स भी हैं। तो इस प्रकार से जो लाख हैं उनके पैरासाइट्स होते हैं उनको नष्ट करने के लिए बहुत सारे एनिमीज उनके शत्रु कीट भी होते हैं, उसमें पैरासाइट्स और प्रीडेटर्स ये मुख्य रूप से हैं। और लाख इंस्टीट्यूट भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स जो कि रांची में है, ये लाख उत्पादन और लाख की जो ट्रेनिंग है ये ऑर्गेनाइज करते हैं। और आप अधिक जानकारी के लिए लाख उत्पादन से संबंधित स्टडी मटेरियल के लिए इन वेबसाइट्स का भी विजिट कर सकते हैं। और यदि आप लाख उत्पादन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप लाख इंस्टीट्यूट में जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट।